यार क्या मसला है आपको? क्यों दिमाग का नहीं बना रहे? बोलो क्या मसला है आपको? For you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. मसला मुझे नहीं था. Yo, what's up guys? कैसे हैं सभी लोग? I hope कि सब ठीक होंगे. तो guys, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इधर जो हाल हुआ पड़ा है ट्रेवल का, तो इसका तो स्टैचू भी तोड़ के तो पूछ रहे यार ये सब किसने किया. तो गाइज आप सबको पता होगा, तो लास्ट हमने मिशन किया था, उस मिशन में हमने बाइकर गैंग वालों के साथ बहुत फड्डा कर दिया था. तो हमने उनकी काफी मारपीट की थी, तो वो इसका बदला लेने हम घर पे नहीं थे, तो वो बदला लेने हमारे घर पे आ गए. ट्रेवलर बेचारे घर तो पहले ही सत्यानाश हुआ पड़ा था, बट बाइकर गैंग वालों ने आके और भी इसका सत्यानाश कर दिया, इसका एक स्टैचू भी तोड़ दिया. ओए 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 जोकर गिरा, तू इधर क्या कर रहा है? ये माइकल का पूछ रहा है. तो माइकल माइकल का एक बच्चा है, एक बच्ची है, उसकी बेगम है, बस इतना सा काम है. 42 एज उसकी होगी. तो गाइज हम अब हम उसके बदला लेने वाले, जो बाइकर गैंग वाले हमारे साथ हमारे घर में ये हाल कर रहे हैं, हम बाइकर गैंग वालों को बिल्कुल भी नहीं बाइकर गैंग वालों को छोड़ने वाले. तो गाइस ट्रेवर ऑलरेडी आपको पता है कितना ज्यादा गुस्सा करने वाला है, तो आपको पता होगा कि इस बार हमें सबसे पहले एम्यूनेशन जाना है, क्योंकि हमारे पास गन वगैरह नहीं. सबसे पहले तो हम बहुत स्पीड के साथ, ये ऑफ रोड हमारे पास एक गाड़ी है, बाइक है ऑफ रोड चलने वाली, तो ये इस पे हम सबसे पहले चलते हैं एक गन वाली शॉप पे, एम्यूनेशन पे. उधर जाकर सबसे पहले हमें एक स्नाइपर गन लेना है. गन लेने के बाद हमें एक लोकेशन दी गई है, उधर जाना है उस लोकेशन पे. तो उधर बाइकर गैंग वाले, उधर है बाइकर वाले, तो हम उनको ऐसा आप सबक सिखाने वाले कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे. हाय आंटी, हाय हेलो, बड़ा मूड ऑफ है, चलो जाने दो. कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इस टाइम मिशन पे हैं, तो हमें बच्चियों बच्चियों को नहीं छेड़ना, सबसे पहले हमें अपने काम पे ध्यान देना है. तो चलो अभी सामने गन्स वगैरह काफ़ी तगड़ी लगी हुई है, तो सबसे पहले हमें एक स्नाइपर लेनी होगी, एक दो और भी गन काफी ले लेंगे, बाद में मसला नहीं होगा. क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने मिशन किया था हमारे पास गन नहीं थी, तो बाद में काफ़ी ज़्यादा मसला होने वाला था. एक ये स्नाइपर होगी, एक ये वाली कर लेते हैं और एक ऊपर वाली भी कर लेते हैं. स्किन इसकी यही ठीक है, स्किन का क्या करना है हमें, तो बाइकर गैंग वालों को मजा चखाना होगा. तो गाइस फाइनली हमने गन ले ली है, तो अब हम निकलते हैं इधर से. तो गाइस निकलने से पहले मुझे आइडिया एक आया है, हमें एक बार एक जैकेट भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, इसमें डैमेज काफ़ी कम मिलता है, तो मे भी हमें भी बुलेट लग सकती है. क्योंकि बाइकर गैंग वालों के साथ जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो मे भी उसमें हमें भी कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम अपनी सेफ्टी कम्प्लीट करने वाले. तो गाइस हमारे पास इस टाइम वेपन फुल है, तो मतलब आज की फाइट बहुत ही तगड़ी होने वाली फाइट है. तो गाइस कैसी लग रही है आपको वीडियो? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे हुए बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर दे. चल भी ट्रेवर टकाटक बाइक को स्पीड लगा दे. तो गाइस आपको पता है ट्रेवर की एक तो ड्राइविंग अच्छी कर दी है, और उसके बाद ट्रेवर को गुस्सा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका एक स्टैचू तोड़ दिया है, वो भी किसी सुपरमैन के हीरो का स्टैचू था, तो वो बोल रहा है कि स्टैचू का बदला लेने जा रहा है. तो हमें एक टैंकी पे जाना है, टैंकी पे हमारा एक बंदा वेट कर रहा है, तो वो हमारे साथ मिशन में हमारा साथ देने वाले ट्रेवर को. आपको पता होगा जो लास्ट मिशन ट्रेवर ने किया था, उसमें भी इसको और ट्रेवर भैया भैया मौज करा दी मौज. वाह क्या स्पीड है यार इसकी, देख ले इसकी. ओ भाई थोड़ा ध्यान से आराम से चले दे. तो फाइनली हम इधर पहुंच चुके हैं, तो भाई वो सामने ऊपर खड़ा हुआ है, वो हमें बोल रहा है कि ऊपर आ जाओ. चलो भाई हम ऊपर आ रहे हैं. ओ भाई आगे नहीं जाना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ. ट्रेवर की यार लुक आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ट्रेवर की जो लुक है आपको कैसी लग रही है, अगर इसकी ब्रीड हम चेंज कर दिए इसकी ब्रीड की, ठीक है. तो सबसे पहले हमें बोला है कि आप ऊपर चले जाओ, ऊपर वाली छत पे जाए, ऊपर वाली छत पे जाके आप सीन चेक करें. तो ठीक है गाइज हम ऊपर वाली छत पे आ चुके हैं. छत पे आने पर देखते हो यार इधर तो बाइकर गैंग वाले काफी ज्यादा बंदे बोल रहे हैं कि इधर छुपे होंगे, जैसे ही रात होगी तो हम अपना मिशन स्टार्ट करेंगे. तो गाइस रात हो चुकी है, हम अपना मिशन इधर से स्टार्ट करने वाले हैं. वो जो हमारे साथ हमारा पार्टनर था वो नीचे जा रहा है, तो हमें ऊपर से उसको कवर देना होगा. चल भाई तू जाने दे. हाँ जी तू मुझे नजर आ गया है. तो वो बोला कि हमें तुझे नजर आ गया. हाँ जी भाई तू मुझे नजर आ गया, दिख रहा है. चल भाई हम तो इसको कवर कर रहे हैं, तो निकल इधर से. तो निकल तो बंदे हम मार देंगे, तू बस अपना काम कर दो, जाके बाइकल गैंग वालों के जैसी छितरोल करेंगे पूरी जिंदगी में, वो बोल नहीं सकेंगे कि ट्रेवर के साथ पंगा इज नॉट चंगा. तो गाइस क्या लगता है हम बाइकल गैंग वालों को सब सिखा पाएंगे क्या, या फिर ट्रेवर बेचारा आज खुद ही फंस जाएगा? तो वो बोले सामने एक बंदा, इसको टपका दो. ले भाई तू टपक जा. चलो भाई ये तो गया. उसके बाद ये हमको बता रहा है कि यार इधर एक और बंदा है. तो गाइस कोई मसला नहीं, बंदे हम खुद संभाल लेंगे. मैं भी दो हूँ या चार हूँ, मुझे लगता है इधर जरा बंदे नहीं होने वाले. वो बोले सामने गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी उसमें बंदा होंगे, तो आप उनको कवर करें, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाएगी. तो ऐसा करें आप इधर की जो भी लाइट्स है ना, तो वो आप लाइट्स तोड़ें. मुझे ऐसा लग रहा है वो बोले ये जो सामने दो लाइट्स चल रही है ना, वो बोले कि ये लाइट्स आप तोड़ दें. ठीक है लाइट को फायर करते हैं, लाइट को हम तोड़ देते हैं. तो गाइस हमने ये लाइट ये
क्यों नहीं टूट रही? चल बेटा तू भी निकल, बेटा नहीं इधर तो लाइट है यार, चलो यार कोई बात नहीं, लाइट टूट गई। अब इधर से बंदा एक निकलने जा रहा है तो गाड़ी आ चुकी है, तो वो बेचारा डरपोक सा बंदा है हमारे साथ, वो बोल रहा है कि यार आप इसको मार दें, क्या कर रहा है, इसे बाहर निकलने दो, चेक करें ये है कौन आखिर, आखिर इसमें बंदा कौन सा है जिसने माइकल के साथ पंगा लेने की कोशिश की है। गाइस माइकल के साथ पंगा बहुत ही महंगा इनको पड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने माइकल का घर जो पहले सारा बिखरा पड़ा था, चल बेटा तेरी इतनी उम्र नहीं नहीं, अब हम ऐसा करें थोड़ा सा गेम खेलते, जो हमारे साथ दूसरा बंदा था उसको तो एक बार हम, वो तो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर रहा है, हम उसको एक बार फिर से डराते, चल भाई उसको जाके मार दे हमारे बंदे को चल। तो गाइस दूसरा बंदा जो हमारे साथ वो बोल रहा मुझे कवर दे, ये मुझे मार देगा, भाई नहीं मरने देते तुझे, हम ऊपर से फुल स्कोप के साथ आपको सेव किए हुए, ओ भाई ओ नहीं नहीं नहीं, ओ यार क्या हमने एक बार तो उसकी जान निकल गई थी, क्योंकि उसने भी एक बार फायर मार दिया था, तो कोई बात नहीं हमने भी एंड टाइम पे उसको फायर दे के उड़ा डाला। तो इधर एक और बंदा है, तो गाइस वो गाड़ी के सामने लग रहा है, इधर बंदा एक इधर आ जा, भाग गया बेटा भाग गया, तू भी पास जा जो हमारे साथ वाला बंदा है ना उसके एक बार हम उसको बहुत डरा रहे हैं यार, वो बोल रहा है कि यार पहले मार दिया करो, तो गाइस हम उसको पहले नहीं मारेंगे, जब आपके पास आ जाएगा तो फिर हम मारने वाले हैं। तो गाइस कैसी लग रही है ये वीडियो, ये फाइट गाइस काफी जबरदस्त तगड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है यार इनके एक दो दो बंदा आ रही है, ज्यादा फाइट में मजा नहीं आ रहा है, और रात वो एक सामने ऊपर से भी बंदा आ रहा है, ऊपर से भी इधर आ बस वो ऊपर से ही नीचे हमने ठोक डाला इसको। तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर, चैनल को टप टप करके सब्सक्राइब कर दिया करें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बार बार आपको बोलना पड़ता है गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो गाइस ये बोल रहे हैं आगे निकल 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 आगे भाग, हम तो फुल कवर कर रहे हैं, तो हम पबजी तो खेल नहीं रहे कि इधर को कवर कर रहे हैं, तो बट हम GTA 5 में भी इसको कवर दे रहे ताकि ये सामने जाके बंदे आहिस्ता आहिस्ता हम मार के ये अपना मिशन पूरा करेंगे, तो ऐसा मजा नहीं आ रहा कि मतलब एक छुप छुप के मारे, मैं चाहता हूँ कि जो है वो सारे बंदे एक बार सामने है, बंदा फुल फाइट हो, रात का सीन है, फाइट में ज़रा मज़ा भी नहीं। ओ भाई चल तो भी टपक गए, ये भी टपक गया। तो मुझे बोल रहा है इधर एक और बंदा, बंदा किधर है, बंदा किधर है यार, बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो दिन में फाइट ओ आ ये रहा, चल भाई ये भी गया, बंदा नज़र आने की देर है, बंदे को हम फुड़का के रख देंगे उसी टाइम में, बंदा है तो ट्रैवल के आगे बंदा बचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है बेटा। तो वो सामने बोल रहा है कि एक कोई और इसको, ठीक है वो टैंकी की तरफ जा रहा है तो जाने दे इसको, वो सामने टैंकी जो एक पड़ा हुआ है टैंकी की तरफ जा रहा है, तो वो बोले एक बंदा आ रहा है, वो सामने गाड़ी पे आ रहा है, गाड़ी पे आ जाओ भाई बाइकर, नहीं चलो भाई आपका काम ही नहीं है इधर, इधर हम लोग काफ़ी हैं इधर संभालने के लिए, आप नहीं इधर आओ, आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी, ना कोई हेल्प चाहिए ना कोई ज़रूरत है आप लोगों की। तो गाइस मुझे लगता है दूर से बंदे सारे खत्म हो चुके हैं, तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, और नहीं ये बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर इधर आ, चलो भाई हेलीकॉप्टर, ओ भाई ऊपर से गया ये हेलीकॉप्टर, फुल तबाह होने जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई आपकी ऊपर से काम खत्म हो गया, ओ भाई हेलीकॉप्टर पूरे का पूरा ब्लास्ट करके रख दिया हम लोगों ने। तो गाइस अब हम जा रहे हैं आगे जाके फाइट लेंगे, दिन भी आ रहा है कि मतलब रात में फाइट लेने का भी काफी ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो वो सामने बंदे आ गए, चलो भाई रात का टाइम खत्म, अब दिन आ गया है तो लाइट में फाइट लेने का भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला, तगड़ा मजा आने वाला। तो ट्रेवर ने सूट कोट पहना, मुझे लगता है ट्रेवर को नेक्स्ट हम मिशन में सूट कोट नहीं पहनाने वाले, उसको हम अपर शर्ट वगैरह डलवाएंगे, पैंट शर्ट डलवाएंगे, क्योंकि सूट में फाइट नहीं आ सकती इतनी ज्यादा। तो यार ये दचमगांडी छुप छुप के क्यों फाइट करता है यार, सामने आके फाइट करो, फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, किधर गई मेरी सनम, सनम कहाँ से गोलियां मारी, छुप छुप के जानू, छुप के गोली नहीं मारो, ओ भाई कहाँ से मार रहे हैं, किधर से गोली मार रहे हो बच्चे लोगो, ओ मुझे लगता है इधर बंदा, वो रहा, हाय बाय राव, थोड़ा सा बाय राव, लव यू, चलो भाई छुट्टी मारो। तो हमारे साथ गाइस ये भी बंदा हमने टपका दिया, लव यू बोल के इसको, तो अब हम लव यू नहीं बोलेंगे, अब इनकी तो माँ की आँख, चल भाई सामने जाना होगा क्योंकि इधर तो फाइट लेने में मज़ा नहीं आ रही इधर, ओ भाई काफ़ी, मैं तो समझ जाता हूँ ये दो चार बंदे इधर तो भाई बहुत ज़्यादा बंदे हैं, मुझे लगता है सारा आज बाइकल गैंग है जो हम ख़त्म करने वाले सारे का सारा।
क्योंकि उस दिन भी हमने इनके इतने बंदे मारे थे, उसके बाद भी यार इनके आज फिर इतने बंदे आ चुके हैं। ओ भाई बहुत सारे बंदे, मैं तो बहुत रिलैक्स होकर काम कर रहा था यार, इनके इतने बंदे नहीं होंगे भाई, इधर इनके बहुत ज्यादा बंदे आने वाले हैं। तो सामने गाड़ी है, कोई गाड़ी भर के, ओ तू इधर किधर भाग रहा है यार, तेरे से कुछ काम है, निकल इधर से। ओ भाई ये गाड़ी सामने से और आ चुकी है भाई, ओ भाई हमारी पावर भी बिल्कुल कम आ जाती है, इतनी फाइट कर रहे, शूट कर रहे, तीन चार चार बंदे एक साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है इनके ग्रेनेड कर, नहीं नहीं ग्रेनेड नहीं करेंगे हम, इसी गन के साथ एक एक को चुन चुन के मारेंगे। चल भाई तू भी जा, यार ये छोटी सी बस के पीछे छुप के फायरिंग करते हो यार, सामने आओ सामने आओ सामने आओ भाई। गाइस हमारी भी पावर थोड़ी सी रह गई, अगर हमें ये दो चार बुलेट्स लग जाती है तो हम डाई, हम गए, हम मर गए, मर गए। अगर हम मर जाते तो सारा मिशन हमारा फेल होने वाला, तो काफी बैक से जाके हमारी गेम दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस हमें मरना नहीं है, इधर आ बेटा, पास आ मेरे पास आ, इधर आ, लेट से चुप करके इधर पास आ रहा था, मेरे पास क्या रखा है, पास नहीं आओ मेरे पास नहीं आओ भाई। गाइस अभी भी काफी ज्यादा बंदे उधर, या साथ वाला हमारे क्या कर रहा है, इतने लोग तो हम ही मार रहे हैं। और नीचे लेट जाओ, नीचे उठना नहीं यार, उठना नहीं, फिर उठ गया यार, इनको कैसे बंदा समझाए यार, दो दो बार इनको बोला नीचे लेट जाओ बच जाओगे, लेट जाओ बच जाओगे, बट नहीं, इनको मरना है दोबारा खड़े होकर, चलो फिर मरो। ये देखो इसके काम देखो, अब बैठ यार लेट जाओ, आप लोगों को इतनी बार बोला, क्यों आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, खाम खाम इतने लोग मरवा रहे हो मेरे हाथों से। तो गाइस बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी इतनी ज़्यादा फाइट भी, इस टाइम हमारी पावर बिल्कुल लो पावर हो चुकी है। तो गाइस हमें कुछ ना कुछ हमें खाना पीना होगा तगड़ा, ताकि हमारी पावर दोबारा से फुल हो जाए, ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। मुझे लगता है बाइकर गैंग का खात्मा हो चुका है GTA 5 से हमने बाइकर गैंग का बिल्कुल खात्मा कर दिया है। तो चलो भाई ये यार तू इधर क्या कर रहा है, इधर निकल ले इधर से, तो हमारी गन यार कैसे भाई कैसे लोग हैं यार, ये मेरी बात ही नहीं समझ आती। तो चलो भाई हेलीकॉप्टर में बैठ के मजे करेंगे, मजे बैठो भाई। ओ भाई अंदर नहीं, मर्जी है भाई आपकी। तो गाइस ये बोला कि सामने रनवे खाली करवाओ, बंदे बोल जाते खाली करवाओ, आप दूसरे एरोप्लेन में आना, ठीक है भाई, हमें एरोप्लेन चलाना ही नहीं आता, हमने आना किस में है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो भाई इसमें बंदे बोल जाते, ये बोल रहा है कि मतलब इन सबको मार के रनवे खाली करवाओ, ताकि हम सेफ एंड सिक्योर इधर से निकल सकें। तो इधर से गाइस निकलने की सबसे पहले गाइस हमें इनकी रनवे खाली करवानी होगी। तो भाई इधर तो ओ भाई सामने से एक और गाड़ी आ रही है, तगड़ी गाड़ी, तगड़ी गाड़ी आ रही है, तो उसको तो हम इधर ही ब्लास्ट कर देंगे फुल स्पीड के साथ, बुलेट चला चला के। एक गाड़ी में सामने फिर उधर भी काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, तो गाइस इतने ज़्यादा बंदे हमें बुलेट्स मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, बट हम एक ही बंदे हैं, तो हमारा मुझे तो ये लगता है हमारा एरोप्लेन क्रैश होने वाला है। तो बट क्रैश नहीं होने देना, हमने भी ये मिशन कम्प्लीट करना है, बहुत मेहनत की है गाइस, इसमें वीडियो को लाइक कर दे गाइस, सच में इस मिशन में बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि जितने लोगों को हमने मारा है बहुत मेहनत करके ये मिशन यहाँ तक पहुँचे। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में जो रेड कलर का बटन आ रहा है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइज वो बोले साथ वाला एरोप्लेन पकड़ो और आ जाओ मेरे पीछे पीछे, ट्रैवल चल भी स्पीड में। ओ भाई ये इधर लटक गया, जैसे हम लटक के इधर फायरिंग कर रहे थे, बेटा अभी फायरिंग करके रनवे खाली करवा दो यार। तो गाइज लाइफ में फर्स्ट टाइम एरोप्लेन ट्रैवल चला रहा है भाई, चला रहा किस यार, नीचे तो नहीं आओ फर्स्ट टाइम, अगर एरोप्लेन किसी ने दे दिया, वो बोले 5 की प्रेस करो, तो 5 की प्रेस करने से गाइस ये हमारा एरोप्लेन हवा में, वहाँ मुझे आज तक हमने सिर्फ गाड़ियाँ ही चलाई थी, बट आज पहली बार हमने GTA 5 में एरोप्लेन भी चला लिया, चलाया नहीं भाई उड़ा लिया, उड़ गया हमारा एरोप्लेन उड़ गया, वहाँ मुझे भाई क्यों नीचे, ओ जो साइड पर बैठा हुआ था वो भी बंदा नीचे आ चुका है। गाइज आप यकीन नहीं करें, इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत गेम प्ले करने के मजा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फाइट होने के बाद हम उनके दोनों जहाज लेके उधर से निकल आए। तो बाइकर गैंग का गाइज हमने खात्मा कर दिया, उसके अलावा हम उनके एरोप्लेन भी लेके आए। उन्होंने किया क्या था, ट्रैवल के घर की तोड़ फोड़ की थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ बुरी लगी थी वो ट्रैवल का जो इसका स्टैचू था वो इन्होंने तोड़ा था। तो गाइज इधर एक इशारा दे रहे कि इधर कुछ ड्रॉप करना है बोट में, तो गाइज देखते, ओ भाई ड्रॉप कर भी दिया, वाह क्या बात है भाई, फर्स्ट टाइम वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ, मजे हैं भाई आप, भाई दरिया में नहीं फेंक देना, थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा ऊपर कर लो, वही ना हो कि आप दरिया में फेंक दें।
गाइस वो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, तो हम जा रहे हैं। तो गाइस हमें एक लोकेशन दी गई, एक मार्क दिया गया, उधर जाके हमने ये पाकर को रशिया का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम लिबर्टी सिटी में भी नहीं है, लेओ सेंटोस में भी नहीं, हम पता नहीं किस एरिया में जा रहे हैं। इधर कोई रशिया का नाम ले रहे हैं, मेक्सिको, सॉरी रशिया का नहीं, मेक्सिको का इधर बोल रहे हैं। तो गाइस ये फाइनली इधर जगह पहुंचने वाली, गाइस अब हमें लैंडिंग नहीं करवाना आती, अब क्रैश ही ना हो जाए हमारा एरोप्लेन, तो लैंडिंग करवाने के लिए भी ट्राई करते हैं। तो हमारी लैंडिंग, वो तो पहले वाला तो लैंड कर चुका है, जो दूसरा मतलब, ओ भाई ये फाइनली गाइस हमारी लैंडिंग हो चुकी है, बहुत मुश्किल के साथ हमारी एरोप्लेन की लैंडिंग हो चुकी है। लैंडिंग, वाह, एरोप्लेन का जूटा कंप्लीट हो गया, मज़े हो गए, मज़े भाई एरोप्लेन। आज तक माइकल और फ्रैंकलिन ने जहाज देखा चलाना, दूर की बात देखा भी नहीं, ट्रैवल के शशके हैं भाई, आते ही जहाज मुँह पे जूटे, वाह भाई ट्रैवल तेरे मज़े भाई। तो गाइस उतरे और साथ में जो बंदा था वो हमें बात सुना, कहता तुम हार गए हम जीत गए, तुम हारो या जीतो पर हम सहारा कोई ना होगा, बोल कफारा क्या होगा। कफारे का तो पता नहीं कफारा क्या होगा, ये बोल रहा है, इसको बात कर रही है वो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे यार। इतने मुश्किल के साथ इतनी फाइट करने के बाद हम उनके दोनों को दोनों जहाज देंगे भाई। एक स्टैचू तोड़ने का इतना बड़ा उनको नुकसान हुआ कि उनके इतने ज्यादा बंदे हम लोग ने मार दिए, उसके अलावा हम उनके एरोप्लेन भी लेके शुरू हो चुके। तो गाइस ट्रेवर को इस टाइम भी बहुत गुस्सा आ रहा है इस बुड्ढे पे, तो मुझे तो लगता है ये बुड्ढे को ही नहीं मार डाले तो कोई बात नहीं, बुड्ढे को नहीं मारना, बुड्ढे ने हमारा बहुत साथ दिया है। चल भी टकले, तेरे मैंने बाल बड़े करवाए हुए हैं। तो गाइस ये हमारा, मुझे लगता है ये मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस ये हमें बोल रहे हैं कि इस मिशन के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो GTA 5 गेम में। GTA 5 में बोल रहे हैं कि आप कोई भी शोरूम क्रिएट कर सकते हो, कोई भी बिल्डिंग खरीद सकते हो, उसके अलावा ये मुझे बोल रहे हैं किसी भी आप मॉल क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आप गैराज ओपन कर सकते हो, और भी बताओ यार हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये बोल रहे कोई भी मतलब आप गेम में सब कुछ ही कर सकते हो, वैसे कर तो हम अभी भी सब कुछ सकते हैं बट अभी आप परमिशन मिल चुके। तो गाइस ये था आज का मिशन, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे हुए बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही था, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।